टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज का जो सेट रहेगा हमारा सेट थ्री रहेगा, ठीक है। सेट थ्री के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके यूपीपीएससी 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का निवेश मित्रा। निवेश मित्रा एक डेडिकेटेड सिंगल विंडो सिस्टम है, ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए निवेश मित्रा के बारे में अगर जो हम बात करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सिंगल विंडो, मतलब सिंगल विंडो का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पे आपके कई सारे काम हो जाए, है ना। तो ये निवेश मित्रा शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके तहत क्या होता है, एक आपने वर्ड सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी जो भी नए नए स्टार्टअप्स हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो फॉर्म्स होते हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना होता है क्लेरिफिकेशंस के लिए, परमिशंस के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी सेटअप होता है, रूट होता है, तो उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। और अगर जो हम बात करें और क्लियरली तो इसके अंदर आई थिंक 26 चीज़ों के बारे में, 26 फीचर्स के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। और वो 26 फीचर्स का लाभ जो है आप यहाँ पर उठा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप जैसे आप कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक एक बेसिकली क्या डिजिटली है, तो डिजिटली मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में जो फी पेमेंट है, फी पेमेंट उसे भी कर सकते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है या जो भी चार्जेस होते हैं, बेसिकली जो एक लीगल चार्जेस हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको आप कर सकते हैं थ्रू निवेश मित्रा, ठीक है। इससे क्या है, यूपी के अंदर जो है निवेश बढ़ेगा, बढ़ेगा तो यहाँ पर लोगों को क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, तो रोजगार भी बढ़ेगा आपका, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, किस शहर के अंदर, उत्तर प्रदेश के किस शहर के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने विजिट किया था टू पार्टिसिपेट इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने विजिट करके पार्टिसिपेट किया था, जिसका एम था उस प्रोग्राम का कि एम्पावर करना है वुमेन्स को थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, इसे कहते हैं शॉर्ट में SHG, ठीक है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अब ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था प्रयागराज, जिसे आप अलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। कब किया गया था, ये हुआ था आपका 21 दिसंबर 2021 के दिन, ठीक है। और इसमें जो है पीएम के द्वारा जो है 1,000 करोड़ की धनराशि दी गई थी थ्रू बैंक ट्रांसफर, मतलब एक DBT जो सिस्टम होता है, डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो सिस्टम होता है, उसके तहत 1,000 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफर किए गए थे, जिसकी हेल्प से 16 लाख वुमेन्स को क्या है इसके थ्रू मदद मिलेगी, किसमें, SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। बेसिकली ग्रुप कैसा है कि जो जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना या कपड़ों की बुनाई करना, इस तरीके से छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, ठीक है, जो इस तरीके से काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली अगर जो हम बात करें दूसरे टर्म में, जो जो हैंडलूम वर्क होता है, जो हाथ से किया गया काम है खासतौर पर उस फील्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्रयागराज। और प्रयागराज पर क्या होता है, यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है हर 12 साल के अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो है वो कन्वर्ट करता है सनलाइट को किसके अंदर। अब देखिए जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस चलता है तो जो ग्रीन प्लांट होता है वो क्या करता है, देखिए जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करता है, रिसीव करता है, व्हाट इट डज, रिसीव्स क्या करता है, रिसीव एनर्जी, कहाँ से एनर्जी रिसीव करता है, सन से एनर्जी लेता है, और इन द फॉर्म, देखिए सन से एनर्जी ले रहा है किस फॉर्म में, ये ले रहा है रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। अब रेडिएशन के फॉर्म में लेता है और उसके बाद फिर वो क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, भाई रेडिएशन से एनर्जी ली रेडिएशन के फॉर्म में और फिर अपना खाना बनाता है। और फूड बनाने के लिए देखिए यहाँ पर अब बनाएगा अपना फूड, और फूड बनाने के लिए उसको किसकी सहायता चाहिए, यहाँ पर इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, वाटर बनाने के बाद, और इस देखिए इन दोनों की जो सहायता लेता ही है, साथ में यहाँ पर होती है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद भी लेता है ये, ठीक है।
तो इस तरीके से ये अपना क्या बनाता है, भोजन बनाता है, कौन, प्लांट। अब क्वेश्चन था कि कन्वर्ट कौन सी प्लांट से जब सनलाइट लेता है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखिए रेडिएशन के फॉर्म में ली, सन से हमने क्या लिया, सन से लिया जो एनर्जी किस फॉर्म में, हमने अभी बात करी थी रेडिएशन के फॉर्म में। अब उसको फूड बनाया, खाना बनाया, तो खाना क्या है बेसिकली एक तरीके का केमिकल कंपाउंड होता है, तो वो बन जाता है आपका केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी। सन से रेडिएशन के फॉर्म में हमने ली एनर्जी को और कन्वर्ट किया उसको केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब सोलर जो एनर्जी है बेसिकली, जो सन की एनर्जी है या सोलर रेडिएशन है, ये आपको सात सात कलर्स की बनी हुई में देखने को मिलती है, जिसे आप कहते हैं विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, जो इंद्रधनुष का एक कलर कॉम्बिनेशन होता है सेवन कलर्स का, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इन कलर्स में से जो विबग्योर का कलर कॉम्बिनेशन है, इसमें से जो रेड कलर है और जो ब्लू कलर है, ये रेड और ब्लू ये दोनों हेल्प करते हैं किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। कभी पूछा जाए कि कौन से कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट की हेल्प करते हैं, वो होते हैं आपकी रेड एंड ब्लू। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, फिर आपको बताना है। अब देखिए पहली स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में बात कर रहा है, तो पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो अपना खाना जो है ना वो खुद नहीं बना सकते, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, बिकॉज दे डिपेंड करते हैं किस पर, ये सब डिपेंड करते हैं ऑन द अदर लिविंग, नहीं ये अदर लिविंग्स पर, जस्ट अ मिनट, हाँ बिल्कुल अदर लिविंग्स पर। अदर लिविंग्स का मतलब हो गया जैसे, या फिर आप दूसरे टर्म में कह लीजिए अदर नरिश्ड प्लांट्स के अंदर, नरिश्ड, नरिश्ड प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स हैं जो खुद का खाना तो नहीं बना पाते, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड नहीं बना पाते, वो डिपेंड करते हैं जो अदर लिविंग प्लांट्स हैं जो फूड अपना खुद बना लेते हैं उन पर डिपेंड, तो ये उनको खा जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट को, प्लांट प्लांट को खा जाता है, ये पैरासिटिक प्लांट इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है यहाँ पर। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्लोरोफिल इज फाउंड इन द पैरासिटिक प्लांट। अब देखिए अभी हमने बात करी ना कि ये जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तब देखिए खाना बनाने के लिए, प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए यहाँ पर, आपको प्लांट को पैरा वाटर चाहिए और साथ में क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब ये खाना बना ही नहीं पाता तो क्लोरोफिल यहाँ पर होगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, है ना। तो अब ये क्लोरोफिल कहाँ आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलेगा नरिश्ड प्लांट के अंदर, जो हमने बात करी थी यहाँ लिखा था नरिश्ड प्लांट, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा क्लोरोफिल। ठीक है, और जो पैरासिटिक प्लांट है वो क्या कर देते हैं, एक्चुअली डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आप, हमने बात कर ही ली है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है क्लोरोफिल वाली, ये गलत हो जाती है। तो दो दो चीजें हमें पता लग गई, सेकंड गलत है तो मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, सेकंड गलत है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं चलिए इसमें से और इसमें से क्या कंडीशन रहती है, देखिए पहली सही है, तो पहली सही होने की वजह से आपका क्या बन जाता है करेक्ट आंसर, देखिए पहली सही स्टेटमेंट बन रही है ना, तो करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन सी, 1 and 3 इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बट हम थर्ड स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, है क्या चीज इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है द होस्ट प्लांट आर दोज विच ऑन विच पैरासाइट प्लांट ग्रो एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन। अच्छा, तो ये कहता है कि भाई जो होस्ट प्लांट है ये वो प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर जो है पैरासिटिक प्लांट जो है वो ग्रो करता है। अच्छा, देखिए जो होस्ट प्लांट्स हैं बेसिकली, जाहिर सी बात है ना, किसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं ना, तो डिपेंड कर रहे हैं तो मतलब होस्ट प्लांट है ना, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जा रही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीजें और आती हैं, जैसे एक होता है कंप्लीट पैरासाइट, कंप्लीटली पैरासिटिक जो प्लांट होता है, पैरासाइट, पैरासिटिक प्लांट वो कौन सा होता है, उसका एक नाम सुन लीजिए, दोदर, दोदर्स, दोदर्स आर द कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट। एक होते पार्शियली पैरासिटिक, पार्शियली, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स, ये होते हैं आपके विस्कम, विस्कम या फिर लॉरेंथम। ठीक है, तो ये दो जो प्लांट्स हैं ये आपके पार्शियली प्लांट्स होते हैं। देन हम बात करें पार्शियली रूट पैरासाइट की, पार्शियली रूट पैरासाइट्स की, ठीक है, तो ये होती है आपकी सैंडलवुड, जो सैंडलवुड होती है वो। ठीक है, और एक फुली रूट पैरासाइट भी होता है जिसका नाम होता है आपका ओरोबांची, ओरोबांची, ठीक है,
ओरोवांची। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए ये भी एक नई स्टेटमेंट है, कीस्टोन स्पीसीज जो है ये मॉडिफाइड होती हैं, मॉडिफाइड द माइक्रो एलिमेंट सॉरी माइक्रो क्लाइमेट एंड सॉइल कंपोजिशन एंड मिनरल लेवल्स में। देखिए तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है, ठीक है, ये एक्चुअली कीस्टोन जो है स्पीसीज होती है, एबल होती है चेंज करने में, ठीक है, जो माइक्रो क्लाइमेट या सॉइल कंपोजिशन सॉइल केमिस्ट्री या मिनरल लेवल्स है इनको चेंज करने के लिए एलिजिबल होती है कीस्टोन, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन एडिशन टू द प्लांट के एडिशन के साथ प्लांट एंड एनिमल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज एन कीस्टोन स्पीसीज। बिल्कुल, देखिए प्लांट और एनिमल स्पीसीज के अंदर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एज अ कीस्टोन स्पीसीज की तरह काम करते हैं। अब इसका जो फंक्शन है वो चेंज होता है एनवायरनमेंट के साथ, इवन जब माइक्रोस्कोप जो है माइक्रोस्कोपिक जो साइज है इनका वो शेप में हो, मतलब अगर जो साइज जो है इनका माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा हो तो भी ये अपना जो फंक्शन है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, तो दोनों स्पीसीज दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट बन रहे हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है। अब देखिए ये जो आपके कीस्टोन जो सॉरी माइक्रोस्कोपिक सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी हम बात करें वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका राइजोबियम है, आपका एजोबैक्टर है एजोटोबैक्टर, ठीक है, और एनाबेना है एनाबेना, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस तरीके के बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इज अ सब्जेक्ट अंडर द, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो है ये पहले जो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या इस तरीके का जो एक्ट वाला चीज थी, ये इनिशियली जब संविधान बना था तो ये था आपका स्टेट लिस्ट के अंदर। बाद में एक अमेंडमेंट हुआ जिसे कहते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 1976 के अंदर, ठीक है। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को बेसिकली फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन वगैरह करना है उसको डाल दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स दिए गए हैं उस पर सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर भी कानून बना सकती हैं, दोनों अलग अलग भी बना सकती हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा, इंडिया मेड प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर। देखिए भारत ने जब अपना संविधान बनाया तो उसके अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कंजर्व करने के लिए बातें जो है संविधान के अंदर किस साल में डाली गई ये पूछा गया है। तो इंडिया जो है ये पहली कंट्री बनी, ठीक है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने एक प्रोविजंस बनाए जिसके अंदर इंडिया क्या करेगा प्रोविजंस बनाए फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। जो एनवायरनमेंट के बारे में अपने संविधान के अंदर उसने ऐड किया गया, भाई संविधान के अंदर उसने डाला कि भाई जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज हैं या क्लॉज हैं वो सब चीज़ें हम ऐड करेंगे। ये दुनिया में सबसे पहला देश था, ठीक है। अब इस फील्ड के बारे में बात करें तो अब देखिए जब ये आपका डाला गया संविधान के अंदर उससे पहले ना एक वो हुई थी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ये हुई थी आपकी 5 जून 1972 को, ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसके अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात करी गई थी, डिफरेंट इश्यूज को रेज किया गया था, ठीक है। उसके बाद के 72 में ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद देखिए कि इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है अमेंडमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में हम जानते हैं 1976 के अंदर हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के अंदर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को ऐड कर दिया गया था। सवाल पूछा गया किस साल में ऐड किया गया, 1976, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखिए इसके लिए कौन से प्रोविजंस ऐड किए गए, मतलब आर्टिकल्स की हम अगर जो बात करें तो वो है, कभी पूछा जाए तो 48A, आर्टिकल 48A जो है संविधान के अंदर प्रोवाइड करता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए 48A में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करी गई कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ है उसको देश के अंदर जिस भी टेरिटरी के या जिस भी स्टेट के अंदर वो चीज़ें आती हैं उसको उसका प्रोटेक्ट करना ये उसकी जिम्मेदारी है, ये वो प्रोटेक्ट करेगा।
ठीक है। एक और साथ में अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर आया था, ये आया था आपका आर्टिकल 51A जी, ठीक है। 51A1 आर्टिकल 51A क्या आया आपका, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जी वाला जो पार्ट है ये ऐड किया गया यहाँ पर। इसमें बताया गया कि जो ड्यूटी है, मतलब हर सिटीजन की, जो भारत का नागरिक है उसकी ये ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे नेचुरल एनवायरनमेंट को, जैसे कि आपका फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, जो भी सब चीज़ें हैं इन सभी को प्रोटेक्ट करे और उनको बढ़ाए, मतलब अच्छे से उनको रखे, ठीक है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करेगी। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, 48A और 51AG, ठीक है। ये आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इंडिया ने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें ऐड ऑन करी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेशन इनिशिएटेड ऑन अ लार्ज सैंड डिपॉजिट्स और डेजर्ट। लार्ज सैंड डिपॉजिट मतलब जहां पर मिट्टी या रेत बेसिकली बहुत ज्यादा है, तो रेत कहां पर आपको देखने को मिलेगी, डेजर्ट के अंदर, वहां पे सक्सेशन इनिशिएट किया जाता है। उस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, देखिए जहां पर भी आपका डेजर्ट से रिलेटेड कुछ आ जाए तो वहां पर ये मान लीजिए आपको जीरो जीरो से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जीरो का है यहाँ पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सक्सेशन के बारे में जीरो श्रीन आपका बात करता है, उसे कहते हैं जीरो श्रीन। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो प्लांट सक्सेशन होता है जहाँ पर लिमिटेड वाटर होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। प्लांट जो कंज्यूम करता है ना वाटर, देखो प्लांट क्या लेता है भाई अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्लोरोफिल लेता है। देखिए डेजर्ट में क्लोरोफिल तो बहुत कम होता है क्योंकि लीव्स ही नहीं होती, होती तो बहुत छोटी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी होती है थोड़ी बहुत जो भी है, बट वाटर की भी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है किसकी, वाटर की, ठीक है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होने की वजह से, ठीक है, इसे कहते हैं जीरो श्रेन, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। और ये बेसिकली जो कंडीशंस है ये एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन सिचुएशंस में, जैसे सैंड डेजर्ट या सैंड ड्यून्स, सॉल्ट डेजर्ट या रॉक डेजर्ट, इस तरीके के एरियाज में आपको देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन नहीं है जो कि फ्लाई ऐश का कंपोजिशन है। आप कंपोजिशन ऑफ फ्लाई ऐश के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली अगर जो हम बात कर रहे हैं ये है तो जनरल साइंस, बट टिपिकली अगर जो हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर है, ठीक, बट टिपिकली, बट इन जनरली ये जनरल साइंस के अंदर भी आपका या साइंस एंड टेक के अंदर आपका पार्ट आता है। तो कंपोजिशन ऑफ फ्लाई ऐश की हम बात करें तो इसके अंदर होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट। सेकंड होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। थर्ड होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड फोर्थ है आपका ऑक्साइड्स ऑफ किसके, बहुत सारे ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, आपका कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड टॉक्सिक जो मेटल्स हैं, बेसिकली हैवी मेटल जो होते हैं, जो जहरीले मेटल्स होते हैं, जो टॉक्सिक मेटल्स हैं, टॉक्सिक मेटल्स, ठीक, जैसे कि आपका लेड होता है सबसे पहले, तो आर्सेनिक है, कुबाल्ट है एंड कॉपर, ये क्या है आपके टॉक्सिक मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स, या फिर आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स। तो ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन बेसिकली देखने को मिलता है यहाँ पर फ्लाई ऐश के अंदर। देखिए क्या क्या है यहाँ पर, एल्यूमिनियम सिलिकेट है पहले में दिया हुआ है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 This is also available. Third है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बिल्कुल अवेलेबल है। सल्फर डाइऑक्साइड की ही बात नहीं की, यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ फलाना फलाना है बट सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, तो नॉट पूछा था। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट इन द फ्लाई ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज करेंटली सर्विंग एज अ गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, सर्विंग गवर्नर के बारे में पूछा गया है। ये आप सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ये हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन है, ये करंट में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। यहाँ के पहले ये थी आपकी गवर्नर एमपी की, मध्य प्रदेश की भी ये गवर्नर रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश की गवर्नर से पहले अगर जो हम बात करें तो ये रह चुकी हैं गुजरात राज्य की फर्स्ट फीमेल CM, पहली महिला चीफ मिनिस्टर गुजरात की, ठीक है, वो है आनंदीबेन पटेल। और कभी इनसे आप पूछ लिया जाए कि ये आनंदीबेन पटेल का जो पूरा नाम है वो है आनंदीबेन मफ्त भाई पटेल, ठीक है, मफ्त भाई पटेल,
ठीक है, जो इनके आई थिंक ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कला। ये जो स्कीम है बेसिकली दिस इज अ स्कीम, आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कला स्कीम जो है फॉर द हैंडक्राफ्ट, जो हाथ से बनाई हुई चीजें होती है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आज की डेट में भी हाथ से बनते हैं, उनको लिए अनाउंस किया गया है कि इस पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर कोंकण रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, डेक्कन में, नॉर्थ वेस्टर्न में। क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न कौन सा आता है आपका? नॉर्थ वेस्टर्न में आपका जो थोड़ा सा पार्ट राजस्थान या आप पंजाब हरियाणा का जो पार्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन है आपका आत्मनिर्भर हस्तकला सॉरी हस्तशिल्पकार स्कीम। ये जो है बेसिकली आपकी कहाँ की है? ये है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि आपका सेवन सिस्टर कहलाता है, जो आपके इधर है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जितने भी स्टेट्स हैं सेवन स्टेट, उन एरियाज के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसे स्कीम को लॉन्च किया गया है, मतलब किसकी अंडर द बेसिकली अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ, इसको लॉन्च किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो उसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, तो ये उसके तहत ये लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें, लॉन्च तो कर दिया गया है, अब भाई इस स्कीम में, भाई देखो कोई भी स्कीम होगी ना तो उसमें क्या लगता है, सबसे बड़ा लगता है पैसा। भाई कोई भी स्कीम आप अनाउंस करने में कुछ नहीं आता, बोल दो भैया, बोल दिया भाई, उसको लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, धरातल पर आने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा भाई? इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है ग्रास रूट लेवल पर, जो जमीनी स्तर पर जो पैसा है वो दिया जाएगा एक टर्म लोन के फॉर्म में। फॉर द जो टर्म लोन के मतलब एक टाइम के लिए भैया लोन दे दिया, मतलब टर्म लोन का मतलब 5 साल के लिए आप 1 करोड़ रुपए दे दिया भैया, आप जैसे जैसे आपके पास पैसे आए आप चुकाते जाओ, इस तरीके की जो पॉलिसीज होती है इसे कहते हैं टर्म लोन। तो इससे क्या होगा कि एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा, जो एक्टिविटीज हैं, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें यहाँ पर फुलफिल होंगी, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर। अब इस फाइनेंशियल असिस्टेंट के अंदर इस अनाउंसमेंट के दौरान एक क्रेडिट असिस्टेंट भी दी जाएगी, क्रेडिट असिस्टेंट दी जाएगी 1 लाख रुपए की, कितने की? 1 लाख रुपए इसकी क्रेडिट असिस्टेंट दी जाएगी, ठीक है। जिससे 17 आर्टिस्ट, मतलब 17 आर्टिस्ट को 1 लाख रुपए दिया जाएगा भाई, इसमें 1 लाख से 17 लोगों को बेनिफिट मिलेगा। भाई देखिए अमाउंट छोटा है बट जो हाथ से लोग काम करते हैं ना, उनको अगर जो 5,000 या 10,000 भी मिल जाए अगर जो, तो उससे वो अपना चीजें जो है वो ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, फिर उससे वो रोटेशन में आप चीजें ला सकते हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा अमाउंट ही चाहिए होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कोरल से संबंधित चीज स्टेटमेंट दी गई है, कोरल रीफ्स आपने सुनी होगी, जो आपकी इंडिया है, इंडिया के ये जो आपका कंप्लीटली हम बात करें वेस्टर्न जो घाट वाला इलाका है वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए कोरल्स आर द लिविंग एनिमल्स, बिल्कुल कोरल्स तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह आप नाम सुने होंगे, ये सब चीजें देखने को मिलती है। सिम्बायोटिक रिलेशन होता है यहाँ पर देखने को मिलता है, कोरल जो है शो करता है किसके साथ? देखिए कोरल्स एक बार सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है, सॉरी यहाँ पर देखते हैं जू जेंथेल लेना जेंथेलिया, ठीक है, जू जेंथेलिया के साथ जो है कोरल जो है अपना लिविंग बेसिकली एक सिम्बायोटिक, एक जैसा सिमिलर भी, सिम्बायोटिक मतलब सिमिलर बिहेवियर, मतलब जैसे ना एज ग्रुप के, जैसे 5-5 साल के बच्चे हैं तो उनके जो बिहेवियर होगा ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है, तो सिमिलरिटीज यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो ये जू जेंथेलॉन थैलिया है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज एन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सॉरी माइक्रोस्कोपिक, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जो कि लीव करती है कहाँ पर रहती है? कोरल के अंदर। तो कोरल के अंदर रहती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एल्गी है, सारी चीजें सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन से पूछा गया है कि एसिड रेन के लिए कौन से पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए एसिड रेन जो है ये एक तरीके का, जब ये होती है तो ये बेसिकली किसको शो करती है? इट शोज द एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के बारे में ये बताती है कि भाई एयर पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में उस एरिया में कितना ज्यादा है। अब इसके लिए जब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये एटमोसफेयर में पहुंच जाती है, इट विल रीच इन द एटमोसफेयर, ये एटमोसफेयर के अंदर होती है और स्टार्ट करती है प्रोड्यूस करना क्या? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है।
देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गई, वाटर के साथ मिक्स हुई, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना चालू किया इसने, और द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नॉट नाइट्रस, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, बढ़ती है, ठीक है, फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, देखिए ये दोनों जो नाइट्रस वाली चीजें ना ये कहाँ से बढ़ती हैं, ये दोनों चीजें बढ़ती हैं इंडस्ट्रीज की वजह से, जो फैक्ट्रीज हैं उसकी वजह से, ये जो वेस्ट निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है फैक्ट्रीज से, उसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो निकलता है आपका, ठीक है, जो एरिया में फैलता है, और वो जो गैसेस के फॉर्म में जाता है, फिर पानी के साथ वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में वो नीचे आता है, दैट इज कॉल्ड द एसिड रेन। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, भाई देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ बात नहीं हुई, मीथेन हाइड्रोजन की बात नहीं हुई, मोनोऑक्साइड की बात नहीं करी, हमने बात करी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये दोनों चीज़ें क्या है, ऑक्साइड्स हैं किसके, नाइट्रोजन के, सल्फर डाइऑक्साइड एटमोसफेयर, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करी, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर जो मैं इसे रेड कलर से स्टार मार्क कर दूँ ना इसे, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपका उत्तराखंड का जो पीएससी का एग्जाम है उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन, अभी जो भी लास्ट आई थिंक इसी मंथ हुआ है, अप्रैल के मंथ में ही हुआ एग्जाम, तो उस एग्जाम में भी ये आया हुआ है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए फिर देखिए पूछा गया है पीएच से रिलेटेड, दो प्लांट ग्रो करते हैं, यूजुअली द प्लांट ग्रो व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल का पीएच क्या होगा, देखिए सॉइल का पीएच के लिए जो प्लांट ग्रो करेगा तो सॉइल की पीएच जो रेंज है वो होती है आपकी 6 to 7.5, देखिए ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा बेसिसिटी की तरफ, देखिए पीएच रेंज जो है आपकी, देखिए ये है आपकी पीएच रेंज, दिस इज 0, दिस इज 7, दिस इज नहीं, दिस इज 7 नॉट 0, दिस इज 7, दिस इज 0 1 2 एंड दिस इज 14, ठीक है 1 टू 14 आप कह लीजिए है ना, दिस कम्स टू एसिडिटी, दिस कम्स टू बेसिसिटी, दिस विल बी इन बिटवीन बोथ, मतलब थोड़ा सा एसिडिक थोड़ा सा बेसिक बिहेवियर शो करता है जब प्लांट ग्रो करता है, तो पीएच जो है सॉइल की बात पूछा गया है, तो 6.0 to 7.5 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब जो सॉइल की जो पीएच है ये एक्चुअली कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपका जो प्लांट की परफॉर्मेंस है, बेसिकली जो प्लांट परफॉर्मेंस है वो सारी उसकी पीएच पर बेस कर डिपेंड करती है, जैसे कि सॉइल रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है उसकी अल्कलिनिटी या एसिडिटी ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल के ऊपर, ठीक है, या सॉइल जैसे हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इसके अंदर प्रेजेंट है, हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन तो उसे कहेंगे एसिडिक सॉइल है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो क्या होगा, एसिडिक सॉइल है, और जो सॉइल के अंदर पोटेशियम या सोडियम आयन है तो वो आपका अल्कलाइन सॉइल है, ठीक है, अल्कलाइन सॉइल बेस नहीं है, अल्कलाइन सॉइल है। अब पीएच लेवल अगर जो आपको जैसे पता है कि 7 से नीचे है, 7 से बिलो है अगर जो पीएच लेवल, तो वो क्या कहलाती है, देखिए ये आपका एसिडिक है कहलाती है, एसिडिक कहलाती है, पीएच 7 से ग्रेटर है तो वो कहलाती है अल्कलाइन, ना बेसिक नहीं बट अल्कलाइन सॉइल कहलाती है, ठीक है, पीएच 7 ही है अगर एग्जैक्टली तो दैट इज अ न्यूट्रल सॉइल, ठीक है, वो ना ही अल्कलाइन बिहेवियर शो कर रही है ना ही आपका एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जाननी जरूरी है कि जितना ज्यादा एसिडिक होगी अल्कलाइन सॉइल हार्मफुल होगा किसके लिए, देखिए अगर जो देखिए एक स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, इस चीज को स्टेटमेंट में रख लीजिए, हो सकता है कभी पूछी जाए स्टेटमेंट के टर्म्स में, कि जो सॉइल है मोर एसिडिक होगी, अगर जो एसिडिक ज्यादा होगी या अल्कलाइन ज्यादा होगी, मतलब 6 से नीचे जाएगी, मतलब 5 पॉइंट में समा रही है या फिर 8 पॉइंट में जा रही है, तो चाहे वो एसिडिक ज्यादा हो चाहे बेसिक ज्यादा हो, सॉरी नॉट बेसिक, एसिडिक ज्यादा हो या अल्कलाइन बिहेवियर उसका ज्यादा हो, ठीक है, इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो है हार्मफुल होती है किसके लिए, बोथ कंडीशन हार्मफुल होती है, हार्मफुल टू द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है, कंडीशंस को ऐसी भी एसिडिक ज्यादा हो रही है अल्कलाइनिक बिहेवियर ज्यादा शो कर रहा हो, प्लांट्स के लिए दोनों कंडीशंस में ये नुकसानदायक रहती है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये पूछा गया कि विच टाइप ऑफ फार्मिंग, किस टाइप की जो फार्मिंग है डज नॉट डिपेंड ऑन द सॉइल, सॉइल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देखिए जो फार्मिंग है वो किस टाइप की फार्मिंग जो है सॉइल पर डिपेंड नहीं करती,
अब यहाँ पर देखिए वेटलैंड सॉइल है, रेनफॉल पे डिपेंड नहीं करती, सॉरी किस टाइप की फार्मिंग जो है रेनफॉल पे डिपेंड नहीं करती, ये पूछा गया। वेटलैंड सॉइल जो होती है इसके अंदर जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती है, जो क्रॉप को ग्रो करते हैं उनकी जो प्रैक्टिस की जाती है वो इस टाइप की सॉइल पे की जाती है जहाँ पर फ्लडिंग होती है, मतलब बाढ़ वाली, जहाँ पर पानी भर दिया फिर वहाँ पर आप फसल उगा रहे हो, और नेचुरली फ्लो ऑफ वाटर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पर भी अब नेचुरली भाई पानी कहाँ से आ रहा है, कहीं से उड़ के तो नहीं आएगा भाई, रेनफॉल के थ्रू ही आएगा, जनरली बारिश हो रहा है, तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल। गार्डन लैंड फार्मिंग, गार्डन लैंड फार्मिंग जो होता है ये ग्रो किया जाता है सप्लीमेंट्री इरीगेशन के तरीके से, जहाँ पर पानी को निकाला जाता है, लिफ्ट किया जाता है, कहाँ से, अंडरग्राउंड से, जमीन के अंदर से पानी को लिफ्ट करके उससे इरीगेशन की जाती है, ठीक है, जिसको जो जनरली आजकल हम देखते हैं, तो वो आती है आपकी गार्डन लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग जो होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग जो है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है क्रॉप प्रोडक्शन की जिसके अंदर डिपेंड करता है बेसिकली स्पेसिफिकली रेनफॉल के अंदर या मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल के ऊपर, ठीक है। अब जैसे राजस्थान के एरियाज हैं या कुछ ऐसे महाराष्ट्र के एरियाज हैं जहाँ पर क्या है, जब बारिश होगी तभी भैया फसल बोई जाएगी, तभी उसका आपको अनाज वगैरह मिलेगा, ठीक है, या फिर आपका जो सॉइल है उसमें एक अच्छी क्वांटिटी की या मॉइस्चर कंटेंट आपका अवेलेबल हो तब उससे काम बनेगा, है ना। तो इन तीनों चीज़ों में क्या है, आपको डिपेंडेंसी किस पर है, रेनफॉल पे। तो नॉट पूछा था तो इनमें से तो कोई है नहीं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेटमेंट कौन सी सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे। देखिए सिम्बायोसिस के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, तो और एक दिया हुआ है सिम्बायोसिस से रिलेटेड है, बेसिकली सिम्बायोसिस के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो देखिए सिम्बायोसिस क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। सिम्बायोसिस एक क्लोज इकोलॉजिकल रिलेशन है, सिम्बायोसिस इज अ क्लोज इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, इकोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू एंड मोर डिफरेंट स्पीसीज, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज के बीच के जो जो एक इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। और ये जो रिलेशन है ये दोनों को बेनिफिट करता है, मतलब जो ले रहा है डोनर होता है और जो रिसिप्टर होता है दोनों को ये बेनिफिट करता है, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए, सिम्बायोसिस इज व्हेन द इंटरेक्शन इज यूजफुल टू बोथ द इंडिविजुअल, दोनों के लिए बेनिफिट रहता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।